तो लेट्स स्टार्ट गाइस, हमें एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कैसे चलाना अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अमेजन सेंट्रल पे जाएंगे। तो अमेजन सेंट्रल पे हमारा ये पेज आएगा। अगर आपका अकाउंट है तो आप बहुत ही फैमिलियर हो गए इस पेज से। तो ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन 5वें नंबर पर हमारा एक ऑप्शन है। इसमें हम कैंपेन मैनेजर पर जाएंगे। तो आपका ये पेज ओपन होगा। ये गाइज, मैंने एक ऐड चला रखी है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमें क्रिएट कैंपेन करना है। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे हम, वी विल गो विद द क्रिएट कैंपेन। तो गाइज, उसके बाद ये है ना, आपका ये पेज खुलेगा। इसमें ये दो चीज़ें जानने लायक है, एक है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, एक होता है स्पॉन्सर ब्रांड। आपको स्पॉन्सर ब्रांड में नहीं जाना है, स्पॉन्सर डिस्प्ले में नहीं जाना है। स्पॉन्सर ब्रांड का मतलब होता है, अगर आपने अपना कोई ब्रांड रजिस्ट्री से अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया है तो ही आप अपना ब्रांड स्पॉन्सर करेंगे। हमें स्पॉन्सर करना है अपना प्रोडक्ट, तो वी विल गो विद द स्पॉन्सर प्रोडक्ट। कंटिन्यू पे जाएंगे तो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट पेज। ये आ गया हमारा न्यू कैंपेन पेज। तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, लगता है नेट थोड़ा सा स्लो है। हाँ, तो ये आ गया कैंपेन नेम। कैंपेन नेम का क्या होता है कि हम कैंपेन नेम हमारे लिए होता है, ये किसी उसके लिए नहीं है। दिस इज विजिबल टू अस ओनली। लाइक मेरा अपना ब्रांड है लवी, मैं मास्क सेल कर रहा हूँ इन दिनों, लवी मास्क के नाम से। तो मैं लवी मास्क नाम से ये कैंपेन डाल देता हूँ। इसमें हमें स्टार्ट डालना होता है। ओके, मेरा एक चल रहा है तो इसलिए हम सिर्फ लवी डाल देते हैं। तो इसमें हमें स्टार्ट डेट डालनी है। स्टार्ट डेट ऑब्वियसली हमारी आज की ही करते हैं हम। और एंड डेट डालनी है। दोस्तों, एंड डेट आप जरूर देख के डालिएगा। देखिए, नवंबर है, आपका कैंपेन बहुत लंबा चल सकता है। आप एटलीस्ट वीक फॉर और मंथ तक अपना कोई भी कैंपेन चलाएं। इसमें मैं 13 तक डाल देता हूँ। तो 13 तक डालने के बाद मेरा डेली बजट, इसमें जो डेली बजट है, डेली बजट हमें 50 रुपीज़ का कम से कम डालना है। तो हम 50 रुपीज़ का बजट डाल देते हैं, क्योंकि 50 रुपीज़ से कम ये बजट लेगा ही नहीं। उसके बाद होता है दोस्तों ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या होता है कि अमेजन जो है अपने आप एनालाइज करेगा आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके कीवर्ड्स को खुद डिसाइड करेगा। मैनुअल टारगेटिंग में आप जो कीवर्ड्स डालोगे, अमेजन उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर काम करेगा। तो बेटर आई सजेस्ट, आपका जो भी प्रोडक्ट है अमेजन को बहुत अच्छे से पता है उसके लिए क्या कीवर्ड्स यूज होंगे, तो आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग ही चलाएं। दोस्तों, इसमें ये कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी समझने की चीज़ है। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी में होता है डायनामिक बिड्स, डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स, अप एंड डाउन ओनली, एंड फिक्स बिड्स। फिक्स बिड्स को तो आपको छेड़ना ही नहीं है। आइदर आप गो विद द डायनामिक बिड्स और गो विद द डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। देखो, डाउन ओनली में क्या होता है कि जो अमेजन है वो आपके जो बिड की प्राइस अपने आप लो कर देता है जब उसे लगता है कि इस टाइम सेल नहीं होगी। और डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन में वो आपका जो बिड का प्राइस हो तो 100% तक रेज कर देता है जब उसे लगता है कि हाँ आपकी सेल आने वाली है, नहीं तो लो कर देता है। तो इसमें मैं हमेशा ऊपर ही रखता हूँ डायनेमिक बिड्स, डाउन ओनली। उसके बाद आ जाइए आप क्रिएट ग्रुप। आपको ग्रुप करना है तो आप ग्रुप कर लीजिए। आपके पास दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट या चार प्रोडक्ट है तो आप वो ग्रुप भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट का करना है तो सिंगल प्रोडक्ट में चलिए। ये मैंने कुछ प्रोडक्ट डाल रखे हैं कि मेरे को किस पे चलानी है। लेट्स गो विद द मास्क, हम इस पे चलते हैं। मैं ये 500 रुपीज़ वाला जो मास्क का है मेरा, मैं इसको इसके ऊपर जाता हूँ और इसको ऐड करता हूँ। ये देखो, ये मेरा ऐड हो गया। अगर आपको किसी और कैटेगरी में करना है तो आप दूसरा ग्रुप बनाएंगे। इसमें आप शूज मत डालना। इसमें हम जाएंगे, हमने ले लिया ये प्रोडक्ट, हमारा यहाँ पर आ गया है। तो अब हम नीचे जाएंगे। अब इसमें होता है कि सेट डिफॉल्ट बिड। आपको डिफॉल्ट बिड कितनी डालनी है दोस्तों? देखो, कम डालने का लालच मत करना, क्योंकि कंपटीटर बहुत है, आपकी तरह हजारों लोग और भेज रहे होंगे। तो इस टाइम आई से कि गो विद द सजेस्टेड बिड, या फिर उससे भी ना आप थोड़ा सा ऊपर ही कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हर कोई बिड में पैसा दे रहा है। तो आपका उसमें सबसे ऊपर वही आएगा जिसने बिड में सबसे ज्यादा पैसे दिए होंगे। तो 8.56 वो शो कर रहा है, हमने 9 रुपये सजेस्ट कर दिया है। और मैं इसको जो बजट है, बजट भी 54 रुपीज़ का कर देता हूँ।
डिफॉल्ट बिड हमारा हो गया है, ओके, बजट वाला पेज जो है डेट इज क्लोज्ड। देखो नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग को हमें अभी नहीं छेड़ना है, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग हम एनालाइज करते हैं जब, अगर 1 महीने तक हम कोई प्रमोशन रन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि अमेजन ने किन किन कीज से हमारा जो है कैंपेन रन किया था। हम उन्हें एनालाइज करते हैं कि कौन से जो कीज हैं जिसके ऊपर हमारी सेल नहीं आ रही है, तो उसको हम नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में यहाँ मेंशन कर देते हैं ताकि अमेजन दोबारा उन कीवर्ड्स का जो है यूज ना करे। तो दोस्तों इतना करने के बाद हमें जो है अपना कैंपेन लॉन्च कर देना है। यहाँ पे हम अपना कैंपेन लॉन्च कर देते हैं। देखो हमारा कैंपेन लॉन्च हो गया, इसमें सब कुछ मेंशन है हमारी डिटेल। अब हम किस में जाएंगे ये देखने के लिए, कैंपेन्स में। हेयर वी गो। देखो ये दोस्तों जो हमारा अभी अभी हमने जो किया है वो इसमें नहीं दिखाएगा अभी, अभी लवी वाला जो है वो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मेरा जो है पहले वाला कैंपेन है। इस पहले वाले कैंपेन में मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे शो होगा। जैसे मेरा लवी मास का कैंपेन था, इसका बजट मेरा खत्म हो चुका जो मैंने टारगेट किया था। इसमें 96 रुपीज़ मेरे खर्च हुए थे और मेरी सेल भी आई थी। आप देख सकते हो 96 रुपीज़ का खर्च होने का मेरी 800 रुपीज़ की सेल आई थी। तो वो आपको टारगेट जो इस तरीके से दिखाएगा, ये इम्प्रेशंस है कि कितनी बार मेरी जो एड है वो डिस्प्ले हुई थी और इतने का जो है एवरेज मुझे प्रॉफिट आया। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी मित्र के आपके काम आ सकते हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ जो आपको काम आए, और अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर टेक्निकल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।